हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल निखिल गेमर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूं कि WCC3 क्रिकेट गेम के नेक्स्ट वर्जन 1.1 वर्जन के अपडेट को आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सेटिंग नहीं की है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और किसी भी अपडेट का आप मज़ा नहीं ले पाओगे। संग संग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि WCC3 क्रिकेट गेम का जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है उस अपडेट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और वो अपडेट कब आने वाला है। तो वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे आप हमारी लेटेस्ट गेमिंग वीडियोस कभी मिस ना कर सको। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे भाई ने भी नया गेमिंग चैनल शुरू किया है, तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। उस चैनल पर जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट गेमिंग वीडियोस। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी गेमिंग वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ WCC3 क्रिकेट गेम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और यहाँ पर उन्होंने पहले ही पोस्ट पर दे रखा है कि आप अगर आप WCC3 क्रिकेट गेम को बहुत पहले से खेलते हो तो वो बेटा वर्जन में आएगा, या फिर आपने लास्ट अपडेट से इसको गेम को डाउनलोड किया है और खेल रहे हो तो वो लाइव वर्जन में आएगा। आपको सिंपली स्विच करना पड़ेगा बेटा वर्जन से लाइव वर्जन के अंदर, और स्विच करने के लिए आपको सिंपली अपना गेम अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप लाइव वर्जन पे आ पाओगे। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप लाइव वर्जन में नहीं आते तो आपको WCC3 के आने वाले अपडेट्स की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप अपडेट का मज़ा नहीं ले पाओगे WCC3 क्रिकेट गेम के अंदर अगर आप बेटा वर्जन में हैं। लाइव वर्जन में ही आपको WCC3 के आने वाले अपडेट का मज़ा ले पाओगे। तो सिंपली गेम को अनइंस्टॉल करो, दोबारा से डाउनलोड करो, तभी आप लाइव वर्जन में आ पाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि WCC3 के नेक्स्ट वर्जन 1.1 वर्जन में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं। तो दोस्तों, पहले चीज़ ये है कि उसके अंदर एशिस क्रिकेट टूर्नामेंट अनलॉक होने वाला है। जैसे ये अपडेट आएगा तो एशिस क्रिकेट टूर्नामेंट अनलॉक हो सकता है। और दूसरी चीज़ है वर्ल्ड टूर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टूर भी अनलॉक हो सकता है आने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर। 1.1 वर्जन के अपडेट के अंदर वर्ल्ड टूर और एशिस क्रिकेट टूर्नामेंट अनलॉक हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें अनलॉक हो सकती हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ें अभी रह गई हैं WCC3 क्रिकेट गेम के अंदर, शायद से वो भी अनलॉक हो सकती हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। दोस्तों, ये WCC3 क्रिकेट गेम का जो 1.1 वर्जन का अपडेट है, ये आने वाला है नवंबर मंथ में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर मंथ में ये अपडेट आने वाला है 1.1 वर्जन का। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।